जाइए, मैंने कहा मैक्सिमम डेविएशन, यानी इस बार लाइट को हम ऐसे एंगल पे अंदर ले जाएंगे कि उसका जो डेविएशन हो वो ज्यादा से ज्यादा हो, लाइट प्रिज्म को पार भी करे और डेविएशन ज्यादा से ज्यादा हो। सोचिए अधिक से अधिक डेविएशन क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा डेविएशन ऐसे हो सकता है कि लाइट को आप किस स्टाइल में अंदर भेजें कि उसका ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए। ये लाइट ग्रेजिंग इमरजेंस कर रही है, इससे ज्यादा डेविएशन पॉसिबल नहीं। ये जो लाइट मुड़ रही है ये मैक्सिमम डेविएशन वाला केस, हमें पता करना है इसके लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए, कितने एंगल पर लाइट को प्रिज्म के अंदर भेजें कि ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो, लाइट का मैक्सिमम डेविएशन। ऐसा होने के लिए हमें क्या निकालना है, थीटा नॉट की वैल्यू। चलिए निकालते हैं। अगर ये एंगल 90 है तो ये अपने आप क्रिटिकल एंगल हो गया। बता सकते हैं ये एंगल कितना, बताओ ये एंगल हो जाएगा ए माइनस क्रिटिकल। मैं बार बार कह दूं कि निकालना क्या है, एक्चुअली ये थीटा नॉट ही तो हमारे कंट्रोल में होता है। एक बार प्रिज्म दिया है तो प्रिज्म तो आप चेंज कर नहीं सकते, मतलब म्यू तो आप चेंज कर नहीं सकते, और क्या नहीं चेंज कर सकते, ये आप नहीं चेंज कर सकते। तो आपके हाथ में यही थीटा नॉट तो है, आप अलग अलग डायरेक्शन में लाइट को भेज सकते हैं, बस आपके हाथ में इतना ही है। तो मुझे थीटा नॉट की कौन सी वैल्यू निकालनी है, मुझे थीटा नॉट की वो वैल्यू निकालनी है जिससे लाइट का ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाए और लाइट का जो डेविएशन है वो सबसे ज्यादा हो जाए। चलिए निकालते हैं। ये पॉइंट पी पर सिंपल रिफ्रैक्शन हो रहा है, चलिए इसके लिए स्नेल्स लॉ यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू। ये एंगल कितना है, ए माइनस थीटा से। यहां से देखिए थीटा नॉट की वैल्यू आती है, मैं एक बार में ही लिख दे रहा हूं, थीटा नॉट की वैल्यू आ जा रही है साइन इनवर्स। ध्यान दीजिएगा ये साइन इनवर्स बन के उधर जाएगा, साइन इनवर्स म्यू, बोलिए फिर साइन, अब बोलिए ए, अब आगे ए माइनस, लेकिन थीटा सी को भी मैं म्यू के टर्म्स में लिखूंगा। थीटा सी खुद होता है साइन इनवर्स म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंस। यहां म्यू रेयर वन है और म्यू डेंस खुद म्यू है। इतना भारी भरकम आंसर, इसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये थीटा नॉट क्या है भूल गए, ये थीटा नॉट वो स्पेशल एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए लाइट ग्रेस करते हुए बाहर निकलेगी और लाइट का जो डेविएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा डेविएशन तो फिर यही है कि लाइट टीआईआर कर जाए, अंदर ही रह जाए। तो लाइट अगर उस तरफ जा रही है तो ये लार्जेस्ट डेविएशन वाली सिचुएशन है। लेकिन ऐसा दृश्य देखने के लिए आपको लाइट को इतने एंगल ऑफ इंसिडेंस में प्रिज्म के अंदर घुसाना है। अच्छा, अगर आपको प्रिज्म दिया है तो क्या क्या दिया है, क्या क्या पता है? अगर आपको प्रिज्म दिया है तो आपको म्यू और ए दो ही चीजें तो पता होती। आप देखिए पूरा राइट हैंड साइड सिर्फ म्यू और ए से ही तो मिलके बना है, पूरे राइट हैंड साइड में म्यू और ए बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपको म्यू पता है और ए पता है तो आप कैलकुलेशन करते 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 थीटा नॉट तो निकाल ही लोगे, और थीटा नॉट एंगल पे लाइट को भेजोगे तो ये ग्रेजिंग इमरजेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एंगल को जरा सा बड़ा कर दिया, सपोज ऐसे लाइट भेजा, तो क्या होगा? अगर आपने एंगल को जरा सा बड़ा कर दिया, आपने थीटा नॉट से भी बड़े एंगल पर भेजा तो क्या, तो टी आई आर बिल्कुल सही है। यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, आपका यहाँ कॉमन सेंस फेल हो गया है। अगर आप यहाँ पे एंगल बढ़ा दोगे, ध्यान दो बेटा क्या कर रहे हो भटक के, अगर आप यहाँ पे एंगल बढ़ा दोगे तो ये एंगल भी बढ़ जाएगा, इधर बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, और पता अगर ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा। ये अभी वर्तमान में क्रिटिकल है, और अगर ये क्रिटिकल से कम हो गया तो तब तो लाइट बहुत बढ़िया से बाहर निकलेगी ना। टी आई आर की बात तो छोड़ दो, मैं तो कहूंगा कि थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट करोगे तो लाइट का बहुत बढ़िया रिफ्रैक्शन होगा। टीआईआर की बात कहां से आ रही, मैं कह रहा हूं यहां उल्टी गंगा बह रही। अब मैं उल्टी गंगा बहा के दिखाता हूं आपको। अगर आपने एक ऐसी लाइट भेजी, अगर आपने कहीं इस प्रिज्म में ऐसी लाइट भेजी जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस थीटा नॉट से छोटा है तो क्या होगा?
थीटा नॉट को आपने निकाल ही लिया, अब आपने थीटा नॉट से छोटे एंगल पर अगर कोई लाइट भेजी, अगर ये एंगल आपने कम कर दिया तो फिर ये कम हो जाए, और अगर ये कम हो गया तो ये क्रिटिकल से बड़ा हो जाए, और अगर ये क्रिटिकल से बड़ा हो गया तो TIR हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ TIR। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा रूल समझ में आ गया हमको, ये रूल हम कभी नहीं भूलेंगे। अगर आप चाहते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है जो मैं बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि लाइट प्रिज्म को पार करे तो एक आदत बना लीजिए कि लाइट को हमेशा बड़े एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भेजिए। देखिए कैसे उल्टी बात चल रही है, थीटा वन की वैल्यू हमें बड़ी रखनी चाहिए या छोटी? बड़ी रखनी चाहिए। ये थीटा वन, ये पहला वाला एंगल ही तो होता है, थीटा वन किससे बड़ा रखना चाहिए? थीटा नॉट से बड़ा रखना चाहिए। अगर आप थीटा वन को थीटा नॉट से बड़ा रखते, थीटा वन वही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा वन को थीटा नॉट से बड़ा रखेंगे तभी लाइट प्रिज्म को पार कर पाएगी। वो सारी लाइट रेज जिनका एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा नॉट से छोटा होगा, TIR। इसका मतलब ये और ये दोनों लाइट TIR करेगी, ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों रिफ्रैक्शन करके खूब बढ़िया से बाहर निकलेंगे, और ये TIR करेंगे। एक आखिरी बार बोल दूंगा, बोल लेने दो यार, एक लास्ट बार बोलूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई लाइट प्रिज्म को पार कर जाए तो आदत में ये होना चाहिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो छोटा नहीं बड़ा होना चाहिए। ये एंगल थीटा वन बड़ा होना चाहिए, ये इनफैक्ट थीटा नॉट से बड़ा होना चाहिए, तभी लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन क्या, बल्कि मैं कहूंगा तभी लाइट इमर्ज करेगी बाहर, ठीक है। अरे मैं कुछ नंबर्स लेके दिखाता हूँ आपको, तो आपको बात समझ में आए।